नमस्कार, प्रणाम सभी को। तो सुबह हमने जो कुछ भी बातचीत की, जो भी मैंने बताया आपको, उसका अब समाप्त करूँगा। नहीं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये घूमेगा कि क्या है, गुरुजी ने क्यों बताया। तो उसके समाप्त में द फर्स्ट पॉइंट मैं क्लियर करूँगा कि मैं क्यों बताया। हालांकि शुरुआती में भी मैंने बताया था कि क्यों बताया, तो पहले क्यों कहा, यह कॉन्सेप्ट क्लियर होना क्यों ज़रूरी है ये बताएंगे। उसके बाद एक एक करके और भी क्लियर कर दूंगा कि सतयुग की सच्चाई, त्रेता युग, ये युगों की सच्चाई क्या है, अवतारों की क्या सच्चाई है, ये भी समाप्त कर दूंगा। और आपको इस मार्ग में क्या चीज़ को फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, क्या चीज़ को फॉलो नहीं करना है। मुझे पता है दुख होता है जिन चीज़ों को हम बहुत पहले से पकड़ के रखते हैं अपने मन में, उसको कोई आकर कहता है इसे छोड़ दो तो बुरा भी लगता है, क्योंकि हम पकड़े हुए हैं उस चीज़ों को, तो दुख भी होता है, थोड़ा अंदर से हिल भी जाते हैं कई लोग। तो चलिए इसका समाप्त करते हैं। द फर्स्ट थिंग, व्हाई आई हैव शेयर्ड, क्यों मैंने शेयर किया, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना क्यों ज़रूरी है। मुख्य रूप से दो रीज़न बताऊंगा। द फर्स्ट रीज़न, इस कॉन्सेप्ट के क्लियर हुए बिना आत्म अनुभूति, आत्म साक्षात्कार यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा तो आप पकड़े रहेंगे कुछ, तो नहीं हो सकता है। इसीलिए एक साधक के अंदर ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना पड़ेगा। दूसरा कारण है कि पिछली बार बहुत सारे लोग आए थे शिविर में, तो पहली बार आते हैं उनको अच्छा लगता है, तो फिर अपने घर वालों को लाते हैं, पत्नी को लाते हैं, पति को लाते हैं, माला भी लेके जाते हैं, माला घर पे पहना देते हैं, क्योंकि इनिशिएटेड माला लेके जाते हैं यहाँ से, तो घर पे भी अवेकनिंग हो जाती है। किसी के यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अवेकनिंग हुई नहीं, दीक्षा लेकर गए और दो चार दिन बाद में, कुछ दिनों बाद में घर पे अवेकनिंग हो गई। जैसे यहाँ पे दो व्यक्ति तो यहीं पे है, एक आप खड़ी हो जाए, ये माला पहन कर ही, और इनके परिवार के कई लोग सिर्फ माला पहन के ही, इनका भी माला पहन के, बेटी भी माला पहन के, ये आप खड़ी हो जाओ, कहाँ कृष्ण जी, आपके पत्नी जी खड़ी हो जाओ। हाँ, ये आई थी तो इनको शक्तिपात दीक्षा दी गई, पहली बार आई, ये घर पे गई तो दो दिन के बाद इनके अंदर ये सारे अवेकनिंग स्टार्ट हो गया। आप लोग बैठ जाइए दोनों। अब हुआ क्या, मैं तो पास में हूँ नहीं, और ये लेडीज बहुत सारी चीज़ें सुन के रखी है क्रूओं को, या घर के रीति रिवाजों को भी देख कर। अब ये अनकंट्रोल्ड सिचुएशन में चले गए, मतलब जब कभी शक्ति जागृत होती है तो शुद्ध बुद्ध भी खो देते हैं लोग, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या देवी आ गई, और पूरे बैलेंस खो जाते हैं। अब फोन पे इधर से भी हमें, उधर से भी, और भी ऐसे कई साधकों के साथ ऐसे ही हो रहा है, तो चलिए फ़ोन से भी कांटेक्ट करके थोड़ी सी बात करके संतावना मिली, गाइड करी, उनकी तो सिचुएशन ज़्यादा ही ख़राब हो गया, तो उन्होंने मेरे पास देहरादून में लेकर आए फिर उनको। तो उसमें क्या है कि मैंने देखा पहली बार कि ये दीक्षा इतनी पावरफुल है कि अध्यात्म के सबसे तीव्र सर्वोच्च दीक्षा ये शक्तिपात दीक्षा होती है, क्योंकि इसमें गुरु एक बार दीक्षा कर दिया तो अवेकनिंग हो जाता है। अब अवेकनिंग होने के बाद आगे का जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है, और कंट्रोलिंग पावर भी नहीं आएगा, नियंत्रण भी नहीं कर पाएंगे अपने आप को, घर छोड़ के निकल सकते हैं, गुस्सा भी हो सकते हैं, कोई देवी आ रही है, कुछ भी बह सकते हैं किसी भी तरह से। अगर गुरु अगर नहीं है, मार्गदर्शन नहीं कर रहा है, तो वो टोटली लॉस्ट हो सकते हैं, अलग अलग मार्ग में जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर पूरी की पूरी बोध नहीं हुआ, बीच में कहीं आकर रुक गए तो दीक्षा इसलिए उनको देना चाहिए जो पूरी तरह से
इस बात को समझ गए हैं कि आत्मा साक्षात्कार होता क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है क्या है, कुंडलिनी शक्ति का जागरण क्या होता है, गायत्री मंत्र से भी जागरण जब होती है शक्ति तो क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, जब ये जागरण होता है तो अंदर में क्या होता है, कैसे होता है, तभी वो संभल पाएंगे अपने आप को। फिर ये सिर में घूमने लगती है तो हालत ख़राब हो जाता है, नींद नहीं आती कभी, कितने लोगों को खाना पीना की रूटीन ही बदल जाता है। जब जागरण होगी तो अंदर में जितने विष पड़ा हुआ है वो सारे विष विस्फोट होने लगता है, कभी गुस्सा भी हो जाएंगे, कभी नेगेटिव घटनाएं उनकी ज़िंदगी में आएगी, बहुत प्रकार की चीज़ें घटित होना शुरू हो जाते हैं और वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने आप को। और उनको आत्मा साक्षात्कार के बारे में बोलते हैं तो बोलते हैं हमें ये सब कुछ पता ही नहीं, वो कुछ देवी मांग लेते हैं, कोई देवी आती है तो किसी और कुछ मांग लेते हैं, कुछ और मांग लेते हैं, उसी में जाके फिर संकल्प यहाँ पे जो लेते हैं, कृष्ण का संकल्प लेंगे तो कृष्ण का अगर छवि पहले से है, जैसे मैंने कहा कि जो आपके पास पहले से डाला गया वो दिखेगा, तो आपका संकल्प ही आपका क्रिएशन बन जाता है। फिर आप जो संकल्प लेते हैं वही आपको दिखाई देने लगता है। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, उसके बाद हम दीक्षा देंगे। और बिना इस कॉन्सेप्ट के क्लियर हुए आगे पूरे आत्म अनुभूति आत्मा साक्षात्कार तक नहीं पहुंच सकता है कोई, इसलिए ये जरूरी है। हुआ बता दिया आपको। अब रही अवतारों की सच्चाई, तो अवतारों की सच्चाई अगर पूरे इतिहास को देखेंगे और गुरुओं को देखेंगे, अलग अलग गुरुओं को देखेंगे, उसको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो उसमें वेद व्यास के द्वारा लिखा गया अवतारों की कंसेप्ट और बाकी जैसे रविदास हुए, कबीरदास हुए, गुरु गोरखनाथ हुए, गुरु नानक देव हुए, ऐसे हिंदू सनातन और अन्य धर्मों में भी बहुत गुरु आए जिन्होंने अवतारों पर कोई बात नहीं की, कोई कंसेप्ट ही नहीं डाला, बाकी चीज़ों को एक जैसे ही रखा है। और मैं भी अवतारों को मेरे मार्ग में कहीं फिट नहीं बैठता है, बहुत ढूंढा था मैंने, बहुत प्रयास किया था इसको जाने के लिए, कहीं कुछ नहीं मिला। तो ये पूरी की पूरी इसके मैं भी हमारे मार्ग में इसको खारिज करते हैं कि हमारे लिए कृष्ण जो है वही परमपिता परमेश्वर है, वो भी वही कहते हैं। तो एक जगह में सही है, ठीक है, लेकिन वह कृष्ण नहीं जो अवतार ले लेके बार बार वो आ रहे हैं, बुद्ध के अवतार, इसके बामना अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, नरसिम्हा अवतार, जितने अवतार हैं, ये नहीं। अवतार, अवतारवाद, ये सब लिखा गया है, बनाया गया है वेदव्यास ने। और कब बनाया गया आपको बता रहा हूँ, जीसस क्राइस्ट के आने के बाद करीबन एक शताब्दी, इस समय जब क्रिश्चियनिटी बहुत बढ़ रहा था तो वेदव्यास ने भी युगों पर भी और इस चीज़ को ज़्यादा ही फोकस किया था, लिखा था और प्रचलन में ये चीज़ें खूब आई थी। तो अवतारवाद को हम कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन उसमें जो ब्रह्म की प्राप्ति की बातें लिखी गई है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक है, ब्रह्म के, परमात्मा के। अब दूसरा बात, जो युगों की धारणा, युगों की धारणा जो हमारी रिसर्च है, कॉपी है, या आप भी जो पूरे इतिहास को रिसर्च करेंगे और आज के साइंटिफिक सॉफ्टवेयर में भी डाल के सब कुछ देखा गया है, तो कहीं भी युगों की धारणा फिट नहीं बैठ रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास कह रहा है और आज के विद्वान कह रहे हैं, कहीं भी फिट नहीं बैठ रही। मेरे लिए तो था भी नहीं वो पहले भी, लेकिन हमें भी कुछ रेफरेंस चाहिए। आपको सीधा सीधा बोलूँगा तो आप बात को नहीं मानेंगे, रेफरेंस चाहिए। मेरे लिए तो कब का ये नहीं है, मेरे लिए कब का ये अवतार, ये युग नहीं। तो युगों की सच्चाई यही है कि अंत में समाप्त कर रहा हूँ कि ये कहीं फिट नहीं बैठ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको पढ़ना होगा हम व्हाट्सएप ग्रुप में पूरे PDF को डाल दूंगा, आप लोग पूरे रिसर्च को पढ़ लेना और खुद पता करना, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ये युगों की सच्चाई हुई। अब आगे हमें किन गुरुओं को फॉलो करना है, किन शास्त्रों को फॉलो करना है,
जिसे हम डाइवर्ट नहीं होंगे, क्योंकि भारत में तो इतने सारे शास्त्र है, कुछ भी उठा के पढ़ेंगे भाग भी सकते हैं। ये भी सुन लेना है किसको फॉलो करना है किसको नहीं। और अंत में हमारी जो मार्ग है, इस मार्ग हमारी जो टीचिंग है उससे कौन कौन गुरुओं के टीचिंग कनेक्ट कर रहा है ये भी बताऊंगा, ताकि आपको वहाँ से रेफरेंस मिल जाएगा। तो दो तो ज़बरदस्त बात कही कि एक तो युगों की अवधारणा को पूरी तरह से मानते नहीं हैं हम, ये गलत बात है कि मानते नहीं है, ये है ही नहीं तो माने क्या, जिस तरीके से बताया गया है। ये पता चल जाएगा कि दिव्य वर्ष कैसे आया कॉन्सेप्ट आफ्टर क्राइस्ट, वो पता चल जाएगा जब वो पढ़ेंगे तब, वो लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं बताऊंगा। तो सतयुग हमारे लिए क्या है वो बता रहा हूँ, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और शास्त्रों में देखिए, पहली बार युगों की जो बात है, वेदों में मात्र दो जगह युग शब्द आया हुआ है, लेकिन उसका अर्थ अलग है, अथर्ववेद और यजुर्वेद में जाके पढ़ लीजिएगा, शायद उसमें हम जो कहेंगे वो वेद का मंत्र भी रहेगा, चैप्टर और कौन सा चैप्टर का कौन सा मंत्र। श्रीमद् भागवत गीता में युग शब्द उसमें भी आया है, लेकिन क्लियर कट ये नहीं बताया कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग की बात। युग युग शब्द आया हो अलग, आप पढ़ेंगे तो इसकी कॉन्सेप्ट है ही नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना है। महाभारत में मिलेगा और पुराणों में मिलेगा, वेदव्यास नहीं लिखा है तो वहाँ पे इनकी चर्चा थोड़ी सी मिलेगी। और बहुत सारे ऐसे शास्त्र है जो यही कि ऋषि मुनि और महापुरुषों के द्वारा लिखा गया है, पहले से विवाद है इस पर। वो कहते हैं कि दो तरह से बता रहे हैं, एक तो चेतना के स्तर पे बताते हैं, एक मनुष्य की फिजियोलॉजिकल स्तर को बताते हैं। फिजियोलॉजिकल स्तर को इस प्रकार से, जब बच्चा है, शिशु है, तो वो सतयुग है उसके लिए। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो वो त्रेता युग है उसके लिए। और जब वह बुढ़ा हो जाता है, ओल्ड, तो उसके लिए द्वापर युग है। और जब वह मृत्यु के करीब होता है, मरने वाला होता है और रोग दुख से वो ग्रसित हो जाता है, पीड़ित हुआ रहता है, बेसहारा, तो उसके लिए कलयुग है। युग से अब ये फिजियोलॉजिकल स्तर को लेकर बताया गया, अब दूसरा बता रहा हूँ आपको, और भी टिप्पणियाँ होगी जो अभी मेरे पास जो रेफरेंस है वो बता रहा हूँ। एक कहा जा रहा है कि जब कोई जीव सो रहा है, निद्रा में है, तो वह कलयुग में है। काल जब उठ गया, उठ के बैठ गया, तो त्रेता युग में, ये कलयुग, द्वापर युग में है। जब खड़ा हो गया तो त्रेता युग में है, जब चलने लग गया तो सतयुग में है। तो जीवों की इस अवस्था को बताई गई है। तो ऐसे भी महापुरुष है जो इस तरीके से बताए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें अगर मिलती है तो बिल्कुल सही है, आप इसको समझ सकते हैं अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन वो वाला कहीं से फिट नहीं बैठता है, किसी भी तरीके से फिट नहीं बैठता है। आप बोलेंगे ऐसे शास्त्रों में लिखा, तो किसने लिखा है, लिखने वाला कौन है, कब लिखा, कहां से आया? तो उस समय तो और दूसरे शास्त्रों में भी तो बहुत कुछ लिखा है, तो हमें वेरीफाई करनी पड़ेगी ज्ञान को, गुरुओं को, शास्त्रों को, और हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब हम असली जगह तक पहुंचेंगे। तो अभी आप लोगों के किन गुरुओं को फॉलो करना है, सुनना है, नहीं सुनना है, मैं अपने तरफ से ये आपको बता रहा हूँ। पहली बात, जो भी गुरु YouTube पे या किताबों में ये बात किए हैं अवतारों की, ये अवतार है, ऐसा अवतार है, तो आपको कंफ्यूज कर देंगे, आप पूरे कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर शिवों के अवतार में जाएंगे, विष्णु पुराण, शिव पुराण, यहाँ वहाँ, तो ऐसे गुरुओं को आप फॉलो ना करें तो आपके लिए बहुत 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 अच्छा है। मेरे तरफ से तो पूरी की पूरी रिजेक्ट कर दे। जो गुरु
सतयुग और त्रेता युग इन सब के बात कर रहे हैं, अवतारों की बात करें, कंप्लीटली इसको ना सुने, फॉलो ना करें, नहीं तो आप इसी गोल गोल में घूमते रह जाएंगे, जन्मों जन्मांतर तक निकल नहीं पाएंगे एकदम से। और जो गुरु पुराणों की कहानियों को सच कहते हैं, सच में घटित हुआ है कि भगवान गणेश के ऐसे ही था, शिव ऐसे थे, यहाँ पे अवतरित हुए थे, या देखिए अवतारों का कंसेप्ट सिर्फ वैष्णविज्म के नहीं कह रहा हूँ मैं, शैविज्म में भी शिवों के अवतार की भी बात की जा रही है, उनको भी कह रहा हूँ, देवी पुराणों में देवियों का अवतार को भी बात कह रहा हूँ। अवतारों के पीछे जो तत्व दृष्टि है उसको समझ गया तो ठीक है, फिर उसको नहीं समझेंगे तो ये बड़ा मुश्किल है, इसीलिए गोल गोल में घूमेंगे। तो ऐसे जब भी अवतारवाद की बात आती है पूरे इसको खारिज करना। और देवी देवताओं ने अवतरित हुए थे, ऐसे आए थे, ऐसा हुआ था, ऐसा होता तो बुद्ध भी कहते, महावीर भी कहते, उसी वक्त ये सब लिखा गया। और भी षट दर्शन के जो महापुरुष थे वो भी कहते, कपिल मुनि भी कहते, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक और भी बहुत सारे हैं। तो इसको पूरी तरह से आपको हो सके तो साइड कर देना है, और ऐसे जो भी गुरु बात कर रहे हैं उनको ना सुने तो अच्छा है, नहीं तो आप गोल गोल में घूमेंगे कुछ कहीं नहीं। गोल गोल में घूमक समझ रहे हैं ना, इधर से इधर भूल भुलैया आकर कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि किनको सुनना है और रेफरेंस कहाँ से लेना है। वर्तमान में जो भी गुरु है इस प्रकार के बातें कर रहे हैं कि मेरा ऐसा साक्षात्कार हुआ, जैसे मैं आपको कहूँ मेरे तरफ से अगर मेरे रास्ते में आएंगे तो सीधी कहूँगा कि उनको फॉलो ना करें, ना सुने, अच्छी बातें कभी लगा सुन लिया बात अलग है। क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे रामलला का दर्शन हुआ, ऐसे शॉर्ट्स में मैंने देखा कि वो कम बाथरूम से कहीं निकल के आ रहे थे, रामलला ने उनको पकड़ के बालक रूप में ले जाकर फिर कहीं सुनाया। तो मेरे मार्ग में ये सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सीधी सीधी सी बात। आपको शास्त्र के श्लोक याद है, वेद याद है, उससे मेरा कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि हम जो कह रहे हैं यहाँ तो शास्त्र ही शून्य हो जाता है, ज्ञान ही शून्य हो जाता है। मेरे अपनी सब कुछ बताऊंगा कि आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, किन गुरुओं को ये कैसे क्या होता है। तो ये सब फिजूल की बातें हैं, लोग ऐसे ही बिना मतलब में कोई आएगा बालक कहीं भी दर्शन दे देगा, ऐसा नहीं होता है अध्यात्म के नाम पे, पता नहीं क्यों। और उनके पास शास्त्रीय ज्ञान है और ये पूरी मोहर लगाते हैं कि शास्त्र सम्मत होनी चाहिए हर चीज़ें। मैं नहीं कर रहा हूँ कि शास्त्र सम्मत नहीं होनी चाहिए, आप शास्त्र सम्मत लो जो शास्त्रों में आपके साथ फिट बैठ रहा है, या प्रमाणिक गुरु कह रहा है कि हाँ शास्त्रों में इन चीज़ों को तुम्हें लेके चलना है, इन चीज़ों को नहीं लेके चलना है। हो सकता है शास्त्र को वो समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। अब जी इनकी जब मैंने, ये नीरज जी मुझे कुछ कुछ क्लिप भेजते हैं, जब मैंने देखा कि इनकी दर्शन के बारे में, क्योंकि हमारे तो इन कब समाधि लगे, निर्विकल्प समाधि कब लगे, अवेकनिंग कभी, ये मुझे चाहिए अवेकनिंग नहीं, कुंडलिनी की अवेकनिंग भी नहीं, निर्विकल्प समाधि कब लगी। एक प्रमाणिक गुरु दूसरे गुरु को यही वेरीफाई करेगा और उसी को समझ में आएगा, बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा, सुनने वाले को क्या समझ में आएगा, वो तो पहुँचे ही नहीं है, तो उनको क्या पता चलेगा कौन कहाँ से क्या बोल रहा है। इनको भी स्ट्रिक्टली मैं कहता हूँ कि ना सुने तो ठीक है, नहीं तो कहीं नहीं पहुँचेंगे। आप लोगों को पता है हमारे पास में हजारों लोग आए, हजारों में से कितने को समाधि भी लगी है, कितने अवेकनिंग हुए हैं, कितने मैं काउंटिंग नहीं करवा सकता हूँ आपको, शुरू से ही आज तक। अब क्यों, जब मैंने उनके आत्मज्ञान के बारे में कहानी सुना, अब आप लोग सोचेंगे वो तो इतने अच्छे बोलते हैं गुरुजी, आपसे बहुत अच्छे बोलते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा ज्ञान है, वो दहाड़ के बोलते हैं, उनके पास शास्त्रीय पूरा ज्ञान है, श्लोक ज्ञान है, वो सही है, वो तो किसी भी बच्चा को शुरू से ट्रेंड करेंगे तो हो सकता है। अच्छा वक्ता तो बहुत सारे लोग हैं, अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, टोनी रिबिन्सन इंग्लिश में दहाड़ के कितना बोलता है वो, आज से 10 साल पहले 8 साल पहले मैं उसको बहुत फॉलो करता था, अमेरिकन स्पीकर, क्लास 8वीं तक पढ़ा है, एंथोनी रिबिन्सन उसका नाम है। क्या हो गया, हाँ काफी, तो ऐसे तो वक्ता में बहुत निकाल के दिखा सकता हूँ। अब क्यों बोल रहा हूँ,
आप पहले ये सुन लीजिए जी, एक तरफ ऐसे बोलते हैं कि पूरे आत्मबोध की अंतिम स्थिति को बताते हैं, पूरे अद्वैत स्वरूप उस कृष्ण आत्मा देवी कृष्ण सब एक ही है, वो एकदम अंतिम सच्चाई को एज इट इज बताएंगे, ये बहुत अच्छा लगता है, ये सही है। तो इस दृष्टिकोण से महाराज जी बहुत पूजनीय हैं, जब ये बात कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ये ठीक है। दूसरी ओर जब ये कहते हैं सारे अवतारों को सच बताते हैं, सारे पुराणों में जो लिखा है, सारी कहानियों को, सारे देवी देवता को अवतरण को जब सच बताते हैं, ऐसा हुआ, ये अवतार लिया, वो अवतार लिया, तो यहाँ पे मुझे लगता है जो साधक है वो कन्फ्यूज हो जाएंगे, अंतिम सत्य तक पहुँचेंगे नहीं। आप राम कृष्ण सबके अवतार, सारे देवी देवता सब एज इट इज ऐसे ही हुआ है। हालांकि मेरे जो गुरु थे स्वयं का, आप लोग कहेंगे कि ये क्या हो गया इनको, मेरे खुद के गुरु, जब मैं जिस आश्रम में एक साल जाया करता, मुझे दीक्षा भी दिया था उपासना मार्ग का, दसों महाविद्या में थे, जब मुझे ये सब बोध हुई तो मैं वो गुरु, मेरे लिए गुरु है वहीं तक, लेकिन इस मार्ग में फिर वो ड्रॉप कर दिया मैंने जब ये घटना के बाद, क्योंकि जब मुझे जाके पूछा कई प्रश्न तो एज इट इज वही कहानी जैसे बोलते हैं जी, वही चीज़ बता रहे हैं, तो फिर वो चीज़ मुझे फिट नहीं बैठा, मुझे देखा कि नहीं कहीं गड़बड़ है यहाँ पर। बोल रहे हैं कि मैंने पूछा कि ये सारे अवतार शिव का हुआ है कि नहीं, हुआ है, जियोग्राफिकली देखो, कह रहे हैं देखो सब जगह मूर्ति बना है, सब जगह ये है ये है ये है, और कई चीज़ को देखा। मैंने बोला ये तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। उसके बाद हम दोनों का वहाँ से, हालांकि इनकी रिलेशन के हैं वो, 24 साल तक ध्यान तपस्या भी किया, 10 महाविद्या का आश्रम है उनका, ऐसा हम डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन गुरु अभी भी है, जहाँ तक हमें लेकर गए इस यात्रा में, बहुत आगे बढ़ाए ऊर्जाओं के माध्यम से। तो ये यहाँ पर वो चीज़ें थोड़ा फिट नहीं बैठती है। और दूसरी ओर जब उनकी आत्मा कथा, उनकी आत्मज्ञान कैसे हुआ, तो वो मेरे पास वीडियो है भी, मैं प्ले करके दिखा सकता हूँ अभी आपको, कई शॉर्ट्स भी है। वो कहते हैं कि मैं गंगा के किनारे, मैं हर रोज़ ऐसा सोचता था कि मुझे दर्शन हो, आज शिव का दर्शन हो, शिव का दर्शन हो। आप लोग आप लिखिएगा शिव का दर्शन और आत्मा साक्षात्कार शिव का, तो निकल जाएगा वीडियो। अब कहते हैं कि तब एक दिन क्या हुआ कि भगवान शिव जट्टाधारी वहाँ पे आ गए, प्रकट हो गए। अब मैंने जब देखा तो इतना तेज प्रकाश ऐसी कुछ बता रहे हैं, आ गया जब मैंने देखा, फिर उसके बाद आकर भी देखा भी, दर्शन भी हुआ, चले भी गए, तो मुझे ये ज्ञान हुआ कि ये तो मैं ही था, मैं ही बना और मैं सर्वव्यापक हो गया, सब सर्वव्यापी। तो ये बात फिर मुझे, ये शिव आ गए, शिव का दर्शन, अब तो साधक वही दर्शन ढूंढेंगे, फिर वही कोई मुझसे अभी शेयर कर रहे थे क्या कृष्ण जी, कि जो लगे रहो मुन्ना भाई में, उसमें महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते पढ़ते उसको महात्मा गांधी दिखने लग गए हर जगह, इल्यूजन, समझ रहे हो ना, महात्मा गांधी हर जगह दिखने लग गए। ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेट करेंगे तो यही होगा, सिजोफ्रेनिक डिजीज में तो यही होता है, साइकोलॉजिकल जो लड़का नहीं है वो भी लड़का दिखता है, उठते हैं बैठते हैं बात करते हैं। आप साइकोलॉजी पढ़ के देखिए, जिस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे वो इंसान लगेगा कि आपके पास है, ये सिजोफ्रेनिक डिजीज सब है, ये बीमारी है, ये वो आपके साथ बैठ रहा है बात कर रहा है, हम उसी से शादी करेंगे, रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है लेकिन शादी उसी से करेंगे वो। तो ये बात फिर मैंने देखा, चलो मैंने कहा कि ये भी थोड़ा और आगे देखते हैं। और आगे फिर बोल रहे हैं कि ठाकुर जी फिर राधा का वो दर्शन बालक रूप में दिए, फिर कहीं रास्ते में जा रहे थे कुछ, तो एक दो तीन फिर गुरु नानक देव ने दर्शन दिया गंगा तट पे, कई चीज़ें ऐसे आ गई। तो फिर मैंने सोचा एक तरफ तो बात सही है ठीक है, फिर दूसरी ओर फिर सारे इन चीज़ों को सच कह रहे हैं, तीसरी ओर अपने जो दर्शन बता रहे हैं ये मुझे ये नहीं लग रहा है, और चौथी ओर कोई भी गुरु जब पूरी तरह से निर्विकल्प समाधि में मिट जाता है, मतलब द्वैत का भाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है, अद्वैत स्वरूप हो जाता है, वो किसी को भी श्राप नहीं देगा, उसके अंदर की गुस्सा क्रोध खत्म हो जाता है, क्रोधविहीन हो जाता है, वो श्राप नहीं दे सकता है, और किसी संप्रदाय के लिए वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि जो परमात्मा तत्व है वो प्रत्येक संप्रदाय धर्म सबके अंदर बिना भेदभाव किए हुए ही है।
तो सूक्ष्म रूप से देखता हूँ, ये संप्रदायों की बात है, इधर बात है, तो उसमें मिक्सडअप आ जाता है। उनको आप एक जगह ना भी नहीं कह सकते हैं तो वो इस तरीके से बोलेंगे कि आप ना नहीं बोलोगे, एक जगह ये भी कह देते हैं, एक जगह ये भी कहते हैं, तो आप क्या करोगे, आप किस चीज़ को लोगे? आपको तो एक क्लियर थॉट चाहिए, क्लियर कंसेप्ट चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ों से आपको बच के रहना पड़ेगा। अब किन गुरुओं को सुनना चाहिए, उसमें मैं कबीर का नाम लूँगा, कबीरदास। कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं किया है, क्लियर थॉट, क्लियर कंसेप्ट है। गुरु नानक देव क्लियर कंसेप्ट, क्लियर थॉट है। रविदास क्लियर कंसेप्ट, क्लियर थॉट है। गोरखनाथ को आप हठयोग के माध्यम से क्लियर थॉट है, गोरखनाथ को आप फॉलो कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे गुरु है। ओशो जो अभी गए, पूरे क्लियर कंसेप्ट, क्लियर थॉट है। भले ही वो बहुत विरोधाभासी थे, लोगों के विरोध बहुत बोल कर गए धर्मों के बारे में, वो तो कबीर ने भी बोल कर गए, कबीर भी बोल के गए, इस क्लियर थॉट है। मुझे ये नहीं है कि आप शैवजम और वैष्णविज्म, वैष्णविज्म में भी कोई पूरी अंतिम सत्यों को जैसा है वैसा बता रहा है तो क्लियर थॉट है, तो ठीक है। इनको रेफरेंस में ले सकते हैं, इनको सुन सकते हैं, आगे जा सकते हैं। शाक्त इज्म में और हठ योग में या शैव इज्म में पूरी तरह से जो परमात्मा का, शिव का अवस्थ्य बताया जा रहा है, राग द्वेष रहित अवस्था शिव की और शक्ति की, कुंडलिनी शक्ति की, देवी की, वो वहाँ से मिल रहा है, तो आप ले लीजिए। शैव इज्म से भी बिल्कुल सही है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। शाक्त इज्म में अगर दुर्गा को ही ब्रह्म स्वरूप कहा जा रहा है और उसके माध्यम से वहाँ तक ले जाने की बात किया जा रहा है, तो उनको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो भी सही कह सकते हैं। अगर वैष्णो इज्म में भी, अगर कृष्ण के फॉलोअर भी है, लेकिन कृष्ण को अंतिम सत्य ये कहा जा रहा है कि अंतिम सत्य परमात्मा आश्रय उसी का ही मिलेगा, अवतारों के ये कंसेप्ट को छोड़ के, सतयुग त्रेतायुग के कंसेप्ट को छोड़ कर, कृष्ण तत्व मतलब शिव तत्व, कृष्ण तत्व, देवी तत्व या परमात्मा एक ही कहा जा रहा है, तो ये ठीक है। आज से मैं 2 साल पहले ही इसको अपने YouTube चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिख दिया था कि इसका कोई नाम नहीं है, यू मे नेम इट और यू मे नॉट नेम इट। इसका कोई नाम नहीं है, आप नाम भी दे सकते हो, किसी भाव से पुकार भी सकते हो, लेकिन है वो एक ही है, एक ही है वो एक। लेकिन अनेक रूप में लोग पूछते हैं, देखते हैं, लेकिन अनेक में होते हुए भी सब एक ही है। चुनाव आपको करना है, अब हमारे मार्ग में आप समझो, यहाँ पे जो भी आते हैं हम सबको स्वीकार करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पास कई ऐसे फोन भी आया है, ऐसे सुन सुन के जाप करके और जागृत हो गए कुंडलिनी, अब वो चाह रहे हैं कि कृष्ण ऐसे जैसे बैठे हैं वैसा आए, वो हो नहीं रहा, उसके लिए परेशान है, दुखी है, स्पिरिचुअल विकलांग डिसेबल्ड हो रहे हैं, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम जो मार्ग अब क्या फॉलो करना है ये ध्यान से समझा, और हमारे मार्ग क्या है। पहली बात, हमारे मार्ग में प्रत्येक संप्रदाय के लोगों को हम स्वीकार करते हैं, प्रत्येक धर्म के लोगों को स्वीकार करते हैं, बिना भेदभाव का, एक बराबर दृष्टि भाव सबके लिए, और सत्य जैसा है और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए उनके पूरी तरह से क्या क्या उपाय है उसको बताते हैं, और वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक परमात्मा को पकड़ना है, एक शिव तत्व या परमात्मा को, एक ईश्वर की जो कॉन्सेप्ट है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए जितनी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बनाई है, अगर परमात्मा के नाम पे अगर भज रहे हैं, भज मतलब कोई भजन कर रहे हैं उसी परमात्मा को याद करके, तो सही है। अब हो सकता है परमात्मा आप कृष्ण को समझ के कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसमें फिर युग वाला और अवतार वाला कंसेप्ट लाएंगे तो फंस जाएंगे, ये भी समझ लेना है। भजन कर रहे हैं ये आपके अंतःकरण को शुद्ध करेगा, भजन नाच सकते हैं, झूम सकते हैं, संगीत आप गा सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, परमात्मा को लेकर भज सकते हैं, ये म्यूजिक सुन सकते हैं, नाच सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, भावना कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, ये सारे चीज सहायक है परमात्मा तक लेके जाने के लिए। ध्यान कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, ये सारे वहाँ तक सहायक है।
इससे अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारे चित्त की शुद्धि होती है। लेकिन हृदय में वो परमात्मा होना चाहिए जो हम कह रहे हैं एक ईश्वर आदेव स्वरूप का, जो वेदों में एक ब्रह्म की बात किया गया है, उपनिषदों में भी एक ब्रह्म द्वितीय कोई नहीं है, मतलब कहा गया ना कि एक ही ब्रह्म है उसके सिवा और कोई नहीं है, और वो कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं। तो उनके लिए ध्यान कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं, रो सकते हैं, संगीत गा सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, ये सारे सहयोग सब प्रोसीज्यूर है, आपके अंतःकरण को शुद्ध करेगा। और शुद्ध करते 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 एक दिन आपको उस मार्ग में लेके जाएगा। कैसे हो सकता है? आपको एक प्रमाणिक गुरु के पास लेके जाए और गुरु के माध्यम से दीक्षा कुछ मिले, जिस प्रकार से भी कुछ भी हो। और ये सत्य है कि परमात्मा के बोध के लिए या आत्मबोध के लिए आपके अंदर सूक्ष्म शरीर के अंदर कुंडलिनी नामक शक्ति जो है वो जागृत होनी ही पड़ेगी। इसके बिना जागरण का हो नहीं सकता है। भले किसी ने, कई गुरुओं ने इस पर बात नहीं की है, इसको पीछे छोड़ दिया है, लेकिन शक्ति का जागरण होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मूलाधार से शक्ति जागृत हो गई, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जो है, सुषुम्ना नाड़ी से शक्ति प्रवाहित होकर सहस्रार तक आना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी आप अद्वैत स्वरूप अद्वैत तक पहुंचेंगे। और अद्वैत ही साक्षात उपाय है मुक्ति का, बाकी नहीं है। द्वैत से अद्वैत में छलांग लगाया जा सकता है। और द्वैत कितनी खूबसूरत है, देखो आपके दो आंखें हैं, दिमाग के अंदर दो ब्रेन है, दो कान है, नाक के भी दो छिद्र है, मुख लिप्स भी दो है, शरीर पूरे शरीर के दो 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 भागों में बटा हुआ है कि नहीं? रात दिन भी बटा हुआ है, अमावस्या और पूर्णिमा का भी 15-15 दिनों में बटा हुआ है। इस तरीके से समांतर पीछे भी जाएंगे तो बहुत बटा हुआ है, हर चीज़ में दो 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 दो, एक न्यूट्रल स्टेट भी होता है इसमें। अब ये दो को कनेक्ट करने के लिए इसमें और है जो दोनों को कनेक्ट भी करके रखा है। तो द्वैत से यानी कि सगुण ब्रह्म की उपासना से, सगुण ब्रह्म की उपासना से ही निर्गुण में छलांग लगाया जा सकता है। ये हमारा मार्ग है। सगुण कुछ भी हो सकता है, एक पत्थर भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है, आपका श्वास भी हो सकता है, एक शब्द भी हो सकता है, मंत्र भी हो सकता है, जप भी हो सकता है, कीर्तन भी हो सकता है, भजन भी हो सकता है, गुरु हो सकता है, कुछ भी। सगुण का मतलब यहाँ पे कोई भी द्वैत का सहारा आप ले सकते हैं अद्वैत तक पहुँचने के लिए। अद्वैत मतलब परमात्मा अद्वैत स्वरूप, एक अखंड ब्रह्म, जो शंकराचार्य ने कहा एक अखंड ब्रह्म, या बहुत सारे गुरुओं ने कहा एक परमात्मा। लेकिन उस परमात्मा के बारे में आप सोच विचार चिंतन मनन नहीं कर पाएंगे, इसलिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते हैं। निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचने के लिए सगुण की उपासना से पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो तो अचिंत्य है। जो अचिंत्य है उसके बारे में हम चिंतन मनन नहीं कर सकते हैं। चिंतन मनन हम करेंगे ही सगुण का, जो मूर्त है, जो दो में है, इसका सहारा लिया जा सकता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए शक्ति का जागरण, ब्रह्म रंध्र और सहस्रार चक्र खुलना पड़ता है। जब सहस्रार चक्र खुलेगा और वो शक्ति, जैसे सैबिज्म में कहा जाता है, शक्ति सहस्रार से शिव तत्व, शिव के साथ समाधि हो गई, मतलब शिव के साथ मिल गई, इसे भी समाधि कहा गया है। तो शक्ति मिली, अब वो जीव अपने आदि स्वरूप को पा लिया, और ये शरीर और शरीर सहित जो प्रकृति उसके लिए शून्य हो जाता है। और अंतिम जो अवस्था होता है महाशून्य की अवस्था होता है। उस महाशून्य की अवस्था को ही शिव तत्व कहा गया है। एम्प्टीनेस, खाली, बिल्कुल चैतन्य स्वरूप है, वही चेतना है, वही परमात्मा, वही निर्गुण है, वहां कोई गुण नहीं है, वो अंतिम। तो शक्ति का जागरण होना बहुत जरूरी है, भले इसका नॉलेज हो या ना हो, सूक्ष्म रूप से कोई कीर्तन भजन करते करते भी जागृत हो जाएगी, लेकिन अंतिम में आपको निर्विकल्प समाधि तक पहुंचना ही पड़ेगा। और अंतिम जो अवस्था होता है राग द्वेष रहित निरंजना नीर आधार स्थिति, नीर आधार जिसका कोई आधार नहीं है, परमात्मा का कोई आधार नहीं, निर्लिप्त अवस्था है, निर्लिप्त अवस्था बिल्कुल। तो यही हमारा मार्ग है। तो इसमें आज तक मैंने किसी को नहीं मना किया कि आप भजन मत करो, कीर्तन मत करो, मत झूमो नाचो, जप मत करो, मंत्रों का जप मत करो, ध्यान मत कीजिए, सब सहायक है, किसी का भी हम सहायता ले सकते हैं। तो अब इसलिए माना नहीं करता हूँ कि आपकी चित्त की दशा के अनुसार आपको गाइड करते हैं, आप किस मार्ग से आए हैं,
उसी के अनुसार आपको गाइड किया जाता है। अगर आपने ज़्यादा ओशो को सुनकर आए हैं तो आपके लिए ध्यान सही है, बुद्ध को सुनकर आए हैं तो ध्यान सही है, शिव का और विज्ञान भैरव तंत्र शैविजम ध्यान सही है, शाक्तिजम ध्यान, क्योंकि इसमें ध्यान का बहुत महत्व दिया गया है। शंकराचार्य तो सीधे कहते हैं कि ध्यान सबके लिए नहीं है, वो मंत्र जप श्लोक सबसे ऊपर रखे हैं ध्यान को, एक शिविर में बताया था मैंने इस पर, क्योंकि ध्यान में एकाग्र होना बड़ा मुश्किल है किसी एक साधक के लिए, क्योंकि ध्यान करते करते आपको एक विचार पे ठहर जाना पड़ता है तो ठहर नहीं पाते हैं। ध्यान करें मन इधर गया इधर गया, विचारों का आना जाना लगे रह जाता है, बहक जाते हैं। और ध्यान के बारे में और योग के बारे में, भक्ति मार्ग कर्म योग ज्ञान मार्ग के बारे में भगवद गीता में भी योगेश्वर कृष्ण के द्वारा भी बताया गया। अब ये भी सुन लीजिए, योगेश्वर कृष्ण कहता हूँ, कृष्ण कौन है? वही परमात्मा है, वही गुरुओं के माध्यम से हो किसी भी माध्यम से हो, वो आपकी जो आत्मा, यानी आत्मा को ही हम उस स्थिति में परमात्मा कहते हैं, इंडिविजुअल व्यक्तिगत आत्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, वही है। अर्जुन कौन है इसका भी सार सुन लीजिए, अर्जुन प्रत्येक जीव के हृदय में जो अनुराग है वो अनुरागी ही अर्जुन है, जो कि कुछ ढूंढ रहा है, उलझन में है। जो भी इस पृथ्वी पे उलझन में है, अपने उलझन को सुलझाना चाहता है, वही अर्जुन है। और उस उलझन को सुलझाने वाला जो भी गुरु बता रहे हैं और पूरी तरह से निवृत्त अवस्था तक, वही कृष्णा, वही कृष्णा तत्व है, वहीं से वो कृष्णा बह रहा है, वही कृष्णा, ये इसमें मत फंसो आप। तो ये है भागवत गीता की असली जो सार है। तो अनुराग ही अर्जुन है, और इस पे डीप एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है प्रत्येक पत्रता को लेकर। जैसे मैंने कहा था कि संयम रूपी संजय, आपके अंदर संयम जो है वही संजय है, अज्ञान से मन जो ढका हुआ है वही धृतराष्ट्र है, तो अंधा है उनको बताया गया है। और ये मैं नहीं, ये पहले ही कितने गुरुओं ने इस पर टिप्पणी लिख के रखा हुआ है गीता पे, यथार्थ गीता उठा के पढ़िए आप, क्लियर आपको पता चल जाएगा यथार्थ गीता। और क्रिया योग के योगानंद की गीता ही पढ़िए आप, तो भी पता चल जाएगा। हाँ, अब क्रिया योग की भी बात आ गई, तो क्रिया योग और हमारा जो मार्ग है बहुत एक ही जैसा है, उसमें भी कुंडलिनी शक्ति की बात की जाती है, जागरणों की, चक्रों की, कुठस्थ स्थिति की और समाधि की, आत्म सेल्फ रियलाइजेशन की बात की जाती है, यहाँ पे भी वही बात की जा रही है। कबीर, गुरु नानक, रविदास, गोरखनाथ और ऐसे तमाम बहुत सारे गुरु जो आए, सबके साथ सब कुछ मैच करता है एग्जैक्टली। ये तो बाद में मैंने देखा, उससे पहले ही हमारे वीडियो देखेंगे तो शुरू से एक ही है, और कहीं भी कोई भी स्टेटमेंट में आप गलत निकाल नहीं सकते हो। पुराने वीडियो में भी कभी कंफ्यूज होकर कुछ गलत बता दिया, कहीं कोई दर्शन साक्षात्कार आया ही नहीं है, क्योंकि वो जब कोई पूरी तरह से मिट जाता है तो उसके साथ ये गलत हो ही नहीं सकता है। भले भौतिक दुनिया की इन्फॉर्मेशन गलत हो सकता है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल आत्मज्ञान में गलत हो ही नहीं सकता है। अष्टावक्र उनको आप सुन सकते हैं, अवधूत गीता ये फॉलो कर सकते हैं, ये चीजें, रमन महर्षि इनको भी सुन सकते हैं, इसे बहुत सारे हैं। अब ये भी कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, तो पहले ये समझ लीजिए कि ये जो मैंने कहा, इस जो आचार्यों के बारे में द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत जितने दर्शन आया, उसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उस पर भी मेरी भी दृष्टांत क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि गुरुजी आप क्या कहना चाहते। कई लोग पूछते हैं ना, गुरुजी आप ही बता दीजिए ना कि एक्चुअली अंतिम क्या हम माने, क्योंकि हमें भी एक थॉट चाहिए, एक कॉन्सेप्ट चाहिए। तो इसका ये है कि जब जीव, पहले तो आप खुद ही देखिए, ये जगत आपको दिख रहा है, इसको मान रहे हैं ना आप लोग, क्योंकि दिख रहा है ना आपको जगत, तो ये आपको जब दिख रहा है तो इसको आपको सत्य मानना पड़ेगा। जीव भी यहाँ पे ढेर सारे जीव बैठे हैं, इसे मान रहे हैं कि नहीं आप लोग, इसे भी सत्य मानना पड़ेगा। जीव ही किसका अनुभव करता है?
परमात्मा का अनुभव करता है, सत्य का अनुभव करता है, तो वह जीव अनुभव जब करेगा, अनुभूति होगी, तो अपने दिव्य अखंड स्वरूप को पालेगा वो। तो जब वह जीव अनुभव करता है और पूरी तरह से उसकी अहम मिट जाता है, उसका मैं भाव पूरी तरह से मिट जाता है, तो वह अद्वैय परमात्मा को पा लेता है, अद्वैय स्वरूप को पा लेता है, अद्वैय शिव तत्व को पा लेता है, जो अखंड शून्यता है, सदा से है, जो सदा शिवा है। वहां पर जब वह है तो वहां से और कोई नहीं है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उस स्थिति में सब कुछ शून्य है, सब कुछ। अब रही बात, वहां से तो सब कुछ एक ही है, लेकिन हमारी इंद्रियों के लिए दो दिख रहे हैं। हम पंच इंद्रियों से हम अनुभव कर रहे हैं इस जगत को, तो इसको भी कैसे नकार दे। तो शंकराचार्य ने साफ साफ इसको कहा है, उस बात को लोग नहीं पकड़ते हैं कि यह व्यवहारिक सत्य है। कौन सा सत्य है? प्रैक्टिकल में ये व्यवहारिक सत्य है, इसे भी हमें मानना पड़ेगा। जब तक आप है, आपकी इंद्रिया है, तो ये दो है और ये व्यवहारिक सत्य है। मैं इसे कहता हूँ इंद्रिय भाषित सत्य, मन बुद्धि के द्वारा जो भाषित हो रहा है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इंद्रिय भाषित सत्य है। लेकिन मन बुद्धि इंद्रिय की जो ऊपर की स्थिति जो है, उसके लिए तो अखंड ब्रह्म की स्थिति सिर्फ है, वहाँ सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म है, दो है ही नहीं। मुझे तो दो मिलता ही नहीं है, और दो रहेगा तब तक तो झगड़ा होगा, दो में हमेशा चिंतन मनन होगा। ये बाहर की स्थिति नहीं, अंदर की स्थिति है। दो में हमेशा हम एक को पूजा करेंगे, पूजा तब तक किया जाता है जब हम दो हैं, किसी आराध्य को किसी इष्ट को मानकर। जब हम मिट गए, खुद भी और इष्ट भी मिट गया, अब इष्ट भी गया वो भी मिट गया जो साधना करने वाला था, दोनों अब जो है सो है, उसका नाम पता रूप रंग ना दे तो अच्छा है, वो तो साधना करने के लिए दे दिया गया, वहां पे कुछ नहीं कहा जा सकता है। द ग्रेट वॉइड, महाशून्य की स्थिति। मैं आज बैठ के ये नहीं कर रहा हूं, बहुत पहले से भी लोगों ने कह रखा है। यहाँ पे आने के बाद इसे हरिद्वार से मैंने कुछ किताबें, वेद पुराण ये सब खरीद के लेकर गया, देख रहा हूँ, तो इसे पहले तो बहुत सारे लोगों ने यही इसी चीज़ को कहा ही है, एज इट इज कहा है, तो इसमें दुविधा कहाँ है फिर। तो इस मार्ग में आपको आना है, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है, किसी भी तरह से शक्ति का जागरण होगा, सहस्रार खुलेगा और अपने अद्वैय स्वरूप को पालेंगे। अब अद्वैय स्वरूप को पा लिया तो आपके लिए जन्म और मृत्यु और पूर्व जन्म का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। आप ये सोचेंगे कि ये तो दुविधा वाली बात हो गई, हाँ झगड़ा करने वाली बात है ये। बुद्ध भी होते तो झगड़ा कर देते हैं हम बुद्ध से, बुद्ध अपने पूर्व जन्मों की बात कह रहे हैं और दूसरी जगह क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी कोई जन्म नहीं है, तुम्हारी कोई मृत्यु नहीं है, तुम अजन्मा हो, तुम सदा से हो, तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। जाके उठा कर उनके प्रवचन देख लीजिएगा। एक्चुअली गुरुओं की बात हम नहीं समझते हैं तभी दुविधा खड़ी हो जाती है। एक साधक के लिए जब कहा जा रहा है, जो जीव है, जो सूक्ष्म शरीर है, जो मैं है, यही शरीर छोड़ता है, दूसरे शरीर को धारण करता है, जब यही मिट गया और अपने अखंड स्वरूप को पा लिया, जब अखंड स्वरूप को जब पा लिया, अपने परम दिव्य स्वरूप को, तो वो तो अजन्मा है, उसका कोई जन्म मृत्यु नहीं है, क्योंकि जन्म हुआ तो आपके अंदर विकार आ गया, परमात्मा के अंदर विकार नहीं, तो वो अजन्मा है, उसका कोई जन्म और मृत्यु नहीं है, वो निराकार है, सदा से है, वो अजन्मा स्वरूप है, वो सत्य है। हम जो कहते हैं ना सोहम और वो आप ही हो, कोई जन्म मृत्यु उसकी नहीं है। तो उस दृष्टिकोण से कहा जाता है कि तुम्हारी कोई जन्म और मृत्यु नहीं है, वहां से। फिर दूसरी ओर कहा जाता है एक जीव के स्तर से, ब्रह्म के वहां से कहा जाएगा तो आपकी कोई जन्म मृत्यु नहीं है, तो ये भी क्लियर होना जरूरी है। बिल्कुल। अब थोड़ा हम प्रैक्टिकल होते हैं और प्रकृति में स्वयं झांकते हैं हम, क्योंकि प्रकृति जो है कदम कदम पे ज्ञान को एक्सप्रेस कर रही है। प्रत्येक नदी, नाला, पेड़ पौधे, झाड़, पक्षी,
यहीं से सबको ज्ञान मिला, यहीं से ऑब्जर्व किया है, तो आप भी झांक सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए मुड़ते हैं हम प्रकृति की ओर देखते हैं, पहले कुछ पूर्व जन्मों की अवधारणा की ओर देखते हैं। मान लीजिए सागर, सागर का जो जल है वही सागर का जल सूर्य के ताप से वाष्पित होकर, वाष्प बनकर, वेपर बनकर ऊपर उड़ जाता है। देखिए वही जल वेपर में कन्वर्ट हो गया, परिवर्तित, फिर बादल भी बन जाता है, फिर बादल बन के इधर से उधर अपने राइट टेम्परामेंट पे पहुंचता है, गरजता भी है, टकराता भी है, और बारिश बनकर उठा था एक ही सागर से और पृथ्वी के देशों देशांतर में वही जल फिर बारिश बनकर धरती पर आता है, और वह पानी, वह जल नदी का रूप लेता है, नाला का रूप लेता है, नाला में आ गया तो नाला बन गया वही जल। अब हम क्या कहते हैं, ये नाला है, नदी में आ गया तो ये नदी है, तालाब में आ गया तो ये तालाब है, लेक, झरना, कहीं वाटरफॉल्स तो ये वाटरफॉल्स है। वही जल एक ही है, परिवर्तित होकर अपने स्वरूप को बदल कर देशों देशांतर में बारिश हुआ तो उसका नाम रूप सब बदल गया और बदल गया, और फिर प्रत्येक देशों देशांतर से वह जल की लक्ष्य क्या है, जल का लक्ष्य क्या है, गति क्या है, कहाँ पहुँचना चाहता है, जहाँ से वह आया है वहीं पहुँचना चाहता है वो जल का, फिर उसी सागर की ओर आता है। अब यही देखिए ना, ये गंगा, आपको पता है गंगा में आप लोग नहाने धोने जाते हैं तो कीचड़ में नहाते धोते हैं, ये भी होश में है कि नहीं, पहले तो ये समझ लीजिए। मैं एक साल से आ रहा हूँ यहाँ पर, मैं आज तक नहीं गया हूँ गंगा में नहाने, लेकिन हमारे जितने साधक आते हैं लगभग सब नहा लिए हैं, क्योंकि मुझे तो नहाने की जरूरत ही नहीं पड़ा है। अब जिसको लगता है पाप वो कुछ बाकी हो किए धोने होने के चक्कर में जाते हैं, वो ही नहाते हैं, उन्हें कभी गया ही नहीं, कभी भाव ही नहीं है, क्या जाना है। अब कीचड़ किस लिए कहा इसे समझना है, और गंगा को भारत में हम गंगा कह रहे हैं, यही गंगा को आप गूगल मैप पे चेक कीजिए, जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है और उधर से ब्रह्मपुत्र आता है तो इसी नदी का नाम बदल जाता है, पद्मा रिवर कहा जाता है, वहाँ पे कोई गंगा पवित्र सेक्रेट रिवर नहीं है, है एक ही पृथ्वी और मनुष्य उधर भी है। गंगा इसलिए कीचड़ कहा, आप यहाँ से उठ के जाइए, जितने ऋषिकेश के, हरिद्वार के नदी नाला या होटल के किनारे से जो गटर नाला कीचड़ गंदगी बहते हुए उसी गंगा में प्रवेश कर रहा है, और ये देखिए कि ये गटर नाला उसमें प्रवेश करके भी, मैं गंगा को कीचड़ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपको बस ध्यान को ज़्यादा ही आकर्षित करने के लिए कहा, क्योंकि वास्तव में तो यही है कि सारे गटर ये सब कीचड़ सब कुछ जाकर गंदगी गंगा में प्रवेश करता है, और सौभाग्य देखिए गंगा में वही कीचड़ नाला से और गंदगी प्रवेश करके वही जल गंगा जल बन जाता है। अभी यहाँ से एक गटर जाके बहेगा, देखिए कहीं वो जाके गंगा में प्रवेश करते क्या बन गया, गंगा जल बन गया, सौभाग्य देखिए। तो इस पर तो हम बात करेंगे थोड़ा, यहीं से इसको अभी रखते हैं, गंगा जल वाला। प्रकृति के डिजाइन को भी देखिए, पहले इसको हम समझ लेते हैं। अब सागर से जो जल वाष्प के होता और अलग अलग जगह, अब बताइए आप ये जो जल उठ रहा है गिर रहा है कहाँ हो रहा है, ये आकाश में हो रहा है, आकाश में हो रहा है, और वो जल जो है उसका रूप परिवर्तित हो रहा है, देशों देशांतर में बारिश बनकर जमीन पे आ रहा है और फिर उधर ही आ रहा है। ये पूरे सागर को आप समष्टि प्रकृति समझ सकते हैं, समष्टि प्रकृति, तो प्रकृति का ही जन्म और मृत्यु हो रही है, प्रकृति ही प्रकट और अप्रकट, जन्म मृत्यु मतलब प्रकट और अप्रकट, जिस तरीके से जल परिवर्तित हो रहा है उस तरीके से प्रकृति परिवर्तित हो रही है, जिसमें विकार है वो परिवर्तित हो रहा है। और तो जन्म मृत्यु किसका, संस्कारों का, इच्छाओं का, वासनाओं का, वृत्तियों का जन्म मृत्यु, आपका नहीं, आप तो आत्मस्वरूप हो तो उसका कहां से जन्म मृत्यु। प्रकृति की उसकी जन्म मृत्यु वो परिवर्तित हो रही है।
देखिए ढांचा देखिए, जैसे सागर अनेक रूप ले रहा, अलग जगह बह रहा है, आ रहा है, फिर मिल रहा है, तो प्रकृति में ये चल रहा है। आकाश तो वहीं क्यों वहीं है, आकाश तो एक जगह है बस, सर्वव्यापक है, निराधार है, निर्लिप्त है आकाश, उसको इससे लेन देन नहीं है। तो अपने उस चिदा आकाश आत्मस्वरूप को जब पालेंगे तो देखेंगे कि जन्म मृत्यु मेरी नहीं है। इस दृष्टिकोण से बुद्ध ने कहा कि तुम सदा से हो, तुम्हारी कोई जन्म मृत्यु नहीं है। लेकिन एक जीव की इंडिविजुअल द्वैत की दृष्टि से फिर जन्म मृत्यु संस्कारों का मय का हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो आप नहीं हो। अध्यात्म के सारा खेल तो यही है, परम उद्देश्य यही है कि परमात्मा से जब तक आप खंडित महसूस करेंगे तब तक आपके दुखों की निवृत्ति नहीं हुई। अखंडता दिव्यता स्वरूप को पा लिया तो निवृत्त होंगे, यही मार्ग अध्यात्म का। अब ब्रह्मपुत्र नदी चाइना से बहते हुए आ रहा है, तो अब चाइना में अरुणाचल में नाम अलग है, जैसे आसाम में इधर प्रवेश करता है तो ब्रह्मपुत्र हो जाता है, और वही ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में पद्मा रिवर हो गया। अब वो ब्रह्मपुत्र भी आकर कहाँ मिलता है, उसी जल में। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक जीव की यात्रा जो जा रही है और कहाँ मिलेंगे अंत में, परमात्मा में, सब वहीं। अब बताइए ब्रह्मपुत्र जब आकर या गंगा ही जब जाकर सागर में मिले तो ब्रह्मपुत्र या गंगा के अपना अलग सा अस्तित्व है, आप लोग मुझे बताइए। जैसे ही सागर में ब्रह्मपुत्र जाके मिला तो ब्रह्मपुत्र सागर हो गया, गंगा जाकर मिली तो गंगा हो गई, और गंगा में ऋषिकेश का कोई गटर कोई नाला का पानी जाके गंगा मिला तो वो गंगा जल हो गया। इसी को कहा जाता है ब्रह्म विदे ब्रह्म भवतु, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अब उसे अलग नहीं, अलग रहा तो कहाँ, वो तो लड़ाई झगड़ा अंदर की फाइटिंग तो है ही, इनर कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है, आंतरिक युद्ध तो चल ही रहा है। आंतरिक युद्ध शांत हो गया तो परम शांति को प्राप्त कर लिया, परम सत्य को पा लिया, कितनी सुंदर से। इसके लिए हमें क्या शास्त्र की जरूरत है ही नहीं, थोड़ा सा आप आंख खोलिए, अंदर की विवेक को जगाइए और चारों ओर देखिए, आपको एक पेड़ बता रहा है परम सत्य का ज्ञान, गंगा बता रही है, यहाँ क्या एक तत्व नहीं है जी जहाँ से हम आत्मज्ञान की बात नहीं कर सकते हैं। किसी भी चीज को उठाइए उसमें आत्मज्ञान छुपा हुआ है, ब्रह्म ज्ञान छुपा हुआ है। तो यही हमारा मार्ग है, तो उसी एक ब्रह्म के वहां तक आपकी सफर अंतःकरण को शुद्ध करना है, बोध करना है, बिना बोध का भ्रमित नहीं होना है। ये जीवन एक अवसर है, इसको गंवा नहीं देना है। और योनियों के 84 लाख योनियों को कंसेप्ट को पूरे के पूरे एक्सेप्ट, यानी कि एक्सेप्ट किया ये है ये सत्य है, इसे भी पूरी तरह से हमारे चीज़ों में फिट बैठ रहा है, तो ये चक्र है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ रोटेशन है, तो जीव क्यों चक्र नहीं लगाएगा, तो वो भी चक्र लगा रहा है, ये भी रोटेशन है, यही है। तो इस ज्ञान में याद रखना है ना, मैं कभी भी किसी भी धर्म को प्रोत्साहित करूँगा ना ही उस धर्म को गलत कहूँगा, मैं गलत भी नहीं कहूँगा और उसको प्रमोट भी नहीं कहूँगा। उस धर्म में क्या अच्छा है जो मैं बता रहा हूँ, अगर कहीं मिला तो ले लो वहाँ से। ये धर्म गलत है, ये शास्त्र गलत है, ब्रह्म के बारे में ईश्वर के बारे में जो हम अभी सारांश में बताया ये कहीं से कनेक्ट कर रहा है तो ठीक है, इसके अलग हाँ उपनिषदों को आप पूरी तरह से आप ले सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उपनिषदों को, वेदांत जो उपनिषद, कोई समस्या नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें गुरु और डिसाइपल का डायलॉग्स है, फैंटास्टिक नॉलेज है वो जल्दी समझते नहीं है लोग, यहाँ आप इसके ले सकते हैं। इतना समझाने के बाद भी, ये सारे बातें बताने के बाद भी फिर भी आप बुद्धि इधर से उधर दौड़ाएंगे तो दौड़ा सकते हैं, और नहीं तो सीधी बात है कि कोई अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ ये जो बता रहे हैं
मैं भी बहुत चीज़ों को पढ़ा हूँ, देखा हूँ, घूम चुका हूँ, देश विदेश जाकर गुरुओं से मिल चुका हूँ, देखा हूँ, यही अंतिम सत्य है, यही मार्ग है, यही सही है, तो आप सीधी सीधी छलांग लगा दो ना, हम जब बता रहे हैं। फिर एक बार आने के बाद फिर इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है? लोग आने के बाद फिर इधर जाते हैं उधर जाते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट मैं इतने अच्छे से क्लियर बताता नहीं हूँ, कि बताया नहीं। तो कुछ प्रकृति में ऐसी हुई, भटके, देख रहा हूँ कि फिर उसी वही काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत कम शब्दों में समझाने का प्रयास किया, वो समझे नहीं, तो आज थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया कि सत्य मार्ग में सीधे सीधे उतर जाए।